योगेन चित्ता शपदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोष्मि। एक बार महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने पूरे दुनिया को अष्टांग योग के माध्यम से, योग दर्शन के सूत्र के माध्यम से हम सबको बहुत बड़ा संदेश दिया है और वह अभ्यास आज पूरी दुनिया बहुत तन्मयता, एकाग्रता और समर्पण के साथ कर रही है। तो आज हम लोग यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के अगियांव प्रखंड के कमरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। कौन सा प्राणायाम करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत बढ़िया। भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक सांस को लेना है और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। और कितने देर तक अभ्यास करना है? 5। बहुत बढ़िया। तो आइए आप सभी आंख बंद कर लीजिए, सबकी आंखें बंद हो और धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 5 सेकंड तक सांस को भरिए। सांस लेते समय और छोड़ते समय नासिका से कोई आवाज नहीं। साउंडलेस प्रैक्टिस, ध्वनि रहित अभ्यास। सांस को जब आप अंदर लेंगे तो आपका डायफ्राम, आपका फेफड़ा फैलता हुआ महसूस होगा और मेरुदंड टाइट रखा लो। तो आपका डायफ्राम धीरे धीरे टूटता हुआ महसूस होगा। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। यह जब अभ्यास 5 मिनट प्रतिदिन जब सुबह शाम करेंगे तो आपके भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता हुआ और आपको मालूम कि हमारे शरीर का पूरा ब्लड साफ होने के लिए लंग्स में, फेफड़े में जाता है और प्रति मिनट शरीर का पूरा ब्लड साफ होने के लिए हृदय में प्रवेश करता है। और जब हम लंबा गहरा सांस भरेंगे 1 मिनट तो नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का पूरा खून साफ हो